हमारी 1000 किलोमीटर की राइड आज की। व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये। दोनों तरफ समंदर और बीच में हम लोग। यहाँ पर सैंड स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, हवा भी अक्सर तेज़ चल रही होती है यहाँ पर, तो ये जो छोटे 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 मिट्टी के पीसेस हैं बहुत बुरी तरह लगते हैं। मैं क्या बंदा शेख हो गए, अन्ना भी ना हुए गया। 12, 13, 14, 15, 15.5 घंटे। चलें जी, सब रेडी हो गए हैं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करें हम लोग हमारी 1000 किलोमीटर की राइड आज की। मौसम बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कोई ना, अल्लाह के हवाले। इंशाल्लाह मेन पर्पस यही है कि अपना टूर एंजॉय करना हम लोगों ने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सेफ़ राइड करनी है, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी वो सब जगह घुमाएंगे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी और आप भी इंजॉय करने वाले हैं। मैं दुनिया से बेखबर यहाँ पे अपने मोबाइल में सेटिंग वेटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता चला कि आबिद भाई की बाइक जो है उसमें साइड बैग जो उनका वो निकल के स्लिप होके कहीं गिर गया, तो फिर ये लोग कहीं रुक गए थे, ये फिर वहाँ से उठा के लेकर आए। अब इसको लगाया तो पता नहीं किस तरह से अब उसको फिक्स किया हम लोगों ने, लेकिन ये शुरुआत है, ये तो चलते रहता है, सारे टूर में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। ऑन एंड ऑफ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये। दोनों तरफ समंदर और बीच में हम लोग, ये किंग फहद कॉजवे ब्रिजेस हैं ये जिसके ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। हमेशा आप यहाँ से गुजरोगे इतना ही खूबसूरत आपको मिलेगा, जस्ट अमेजिंग। अभी अभी मैं पासपोर्ट और इमिग्रेशन और कस्टम्स वगैरह सब कुछ क्लियर करके आया हूँ, बहरीन सऊदी साइड दोनों, और अभी मैं सऊदीया के अंदर एंटर हो गया हूँ। अंदर वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो बस ये कि सारे लड़के जो हैं वो बारी 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 अपने अपने अलग अलग बूथ्स में क्लियर करके आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखो अब मुझसे पहले अगर कोई पहुँचा हुआ है कि नहीं पहुँचा हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोगों ने मीटअप करना है। और खड़ी हुई बाइक तो ये जमाल भाई है, चलो हम चलें उनके साथ बैठते हैं और फिर बाकी का बस इंतज़ार करेंगे। इमिग्रेशन और पासपोर्ट वगैरह में कुछ लड़कों को काफ़ी देर लग गई, तो बस अब हम लोग वहाँ से सारे इकट्ठे होकर तभी निकले हैं। अब प्लान ये कि हम लोग सबसे पहले किसी भी एक स्टॉप पे रुकेंगे और वहाँ से नाश्ता नुश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, बिकॉज़ काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना जितना टाइम लग गया, लेकिन ये है कि वॉट टू डू। अभी अभी पहला स्टॉप लिया हम लोगों ने और नाश्ते का कोई सीन नहीं नज़र आ रहा, यही कुछ टूटा फूटा खाना पड़ेगा यहाँ से हम लोग को लेके। मुझे बाद में नज़र आया कि यहाँ पे ये कैफ्टेरिया भी है, तो अब यहाँ से कैफ्टेरिया से सैंडविच वगैरह बनवाया मैंने, अब वो खाएंगे इंशाल्लाह। चिकन
चले अब नाश्ता वास्ता हो गया अब हम लोग सही वाली राइड करने लगे, पहली राइड है समझ लो। अब मेरे ख्याल से अपना स्टॉप जो है हम लोग लेंगे 300 किलोमीटर के ऊपर, तो आई होप सो बीच में आपको स्लो ना करें बिकॉज काफ़ी लेट हो गए और यार बज चुके हैं ऑलरेडी। मोटरसाइकिल की टैंकियाँ भी फिल हो गई हैं और साथ हमारी ख़ुद की टैंकियाँ भी फुल कर ली हैं हम लोगों ने, तो बस अब इंशाल्लाह हाईवे पे चढ़ रहे हैं। ये वाला हाईवे जो है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसके बाद हम लोग टर्न करेंगे जो हाफ मून बे की तरफ टर्न होगी, वो वाला थोड़ा बेहतर है, यानी थोड़ा खूबसूरत रोड है इंशाल्लाह कंपैरेटिवली। ये हाफ मून बे है मेरे लेफ़्ट साइड पे, आप जो देख रहे हैं जो दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं ये, इनसे थोड़ा सा लेफ़्ट और आगे यानी समंदर शुरू हो जाता है। बड़ा ख़ूबसूरत कॉर्निश बनाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, तो अक्सर आप वीकेंड पे आएँ तो यहाँ पे फैमिलियाँ आती हैं, बल्कि बहरीन से लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है यहाँ पे वीकेंड के ऊपर, ड्यून बगीज़ और इस तरह की चीज़ें, यानी काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होती है इस तरह। रिजॉर्ट्स यहाँ पे माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे हैं, कभी मौका मिले तो ज़रूर आके रहना यहाँ पर। हम लोग हाफ मून बे के रास्ते से उतर गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं हुफुफ की तरफ, तो ये एक जो छोटा सा पैच है ये बड़ा गंदा सा पैच है, लाइक वन ऑफ़ द वर्स्ट वंस। यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है और यहाँ पे सैंड स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, हवा भी अक्सर तेज़ चल रही होती है यहाँ पर, तो ये जो छोटे 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 मिट्टी के पीसेस हैं बहुत बुरी तरह लगते हैं, गाड़ी का पेंट भी ख़राब कर देते हैं, लोगों को ज़ख्मी भी कर सकते हैं, बहुत डेंजरस रास्ता है ये वाला, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग दिस एरिया। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जब आप लोग इस तरह हाईवे से गुजर रहे हैं ना, तो ये देखिए जो ट्रेलर गुजरा है, ये ट्रेलर को ना गुजारते हुए आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इसकी टेल है ना, जो सबसे पीछे की जगह है, ये वाली हवा जो है आपको बाहर को धक्का देगी, यानी आपको रोड से बाहर फेंकेगी, फिर जो बीच का हिस्सा वो अपने आप अंदर की तरफ खींचेगी, और फिर जो आप जैसे आप उसका हेड क्लियर करोगे ये फिर से आपको बाहर को धक्का दे देगी, तो बहुत एहतियात से आप अपनी बाइक गुजारें जब भी किसी बड़े ट्रेलर के सामने से या किसी भी ऐसी जगह से गुजरें। तो हम लोगों ने लिया स्टॉप नंबर 2, तकरीबन 200 किलोमीटर चलाई है अभी, और ये कि बाइक है इसलिए जल्दी रोकनी पड़ती है हम लोगों को, तो अभी 200 किलोमीटर हुआ हम लोगों ने बस ब्रेक ली है, आधी आधी टैंकियाँ हुई थी लेकिन टैंकी रिफिल करा ली हम लोगों ने, तो ठीक है कतर बॉर्डर के कतर के पास पहुँचने वाले हैं। अच्छा मेरे को ये चीज़ मैंने अभी रस्ते में देखी थी, बड़ा यूनिक लगा मुझे, ये देखें ये हमारे आबिद भाई हैं, उन्होंने पीछे लगाई हुई लाइट वो भी सोलर के ऊपर, बंदा शेख हो ना भी ना हो आबिद भाई मोटरसाइकिल दी लाइट भी सोलर ते करा ली। yes. मैं क्या बंदा शेख होवे अन्ना भी ना होवे। जी हम लोगों ने अभी लिया है स्टॉप नंबर 3, अभी हम लोग कतर के बॉर्डर पे पहुंचे हैं, अब इसके बाद दुबई का बॉर्डर अनदर 100 किलोमीटर्स। मैं बाइक अपनी थोड़ी सी चेक कर रहा हूँ, बाकी सब फ्यूल वगैरह करवा रहे हैं वहाँ पे, तो मैं बस ऐसी नज़र मार रहा हूँ यानी जनरल सी कि इफ देयर इज एनीथिंग लूज और एनीथिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड वी शुड डू इट नाउ, बाकी अंदर जाऊँगा मैं अभी, मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसके ऊपर, चल के कुछ पीते हैं ठंडा ठंडा, क्योंकि बाहर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गंदा वेदर होगा, बहुत गंदा वेदर है, बहुत गंदा वेदर है, मेरे ख्याल से बाइक पर भी दिखा रहा था 38.5-39 डिग्रीज, और आग बरस रही क्योंकि हम लोग हाईवे में हैं डेजर्ट के बीच में, तो बाकी आप अंदाज़ा लगा लो, एंड ऑल दिस गियरिंग बूट्स और जैकेट्स और इनर्स और हाँ सेफ्टी ज़रूरी है, तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो चलो क्या पिए यहाँ से, आई वॉन्ट समथिंग जूस, ऑरेंज पल्प होना चाहिए बिकॉज गर्मी को बीट करने के लिए ऑरेंज 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 पल्प।
दिस सीम्स गुड, दिस लुक्स गुड, ये लेते हैं। पल्पी पल्पी देखें यार, कितने मजे की चीज है ये। मेरे ख्याल से मॉर्गन है। ज़ूम करना, नहीं पकड़ रही तुम। मेरे ख्याल से मॉर्गन है, क्लासिक। रिकॉर्ड भी है, ये देखें रिकॉर्ड भी आई हुई है, सिमिलर किस्म की कन्वर्टेबल है। मजे मजे की गाड़ी है। Where are you guys coming from? We are from Belgium. Yes. Wow. But they are from Denmark. लेडी से मैं जब बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या हैं, तो पता चला कि विंटेज गाड़ियों का कोई ग्रुप है ये, जो यूरोप से आए हुए हैं और वो पूरे गल्फ के अंदर उन लोगों का 16 दिन का टूर है। इन्होंने जॉर्डन में स्टार्ट किया और इन्होंने दुबई तक चलना है, यानी हमारी तरह ही है, यानी अलग अलग कंट्रीज़ क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने जो है ये इस तरह हम लोग एकदम कतर के बॉर्डर पर आ गए हैं। बाय द वे ये लेफ्ट कतर का बॉर्डर है, तो खैर हम लोग तो दुबई की तरफ चल रहे हैं, तो इधर से इधर से जाना है। ये अब क्यों ब्रेकें लगा रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को। खैर मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो ग्रुप है वो इन लोगों का भी तकरीबन हमारे जैसी ही राइड है। तकरीबन हम लोग 6000 किलोमीटर करने वाले हैं, तो इन लोगों ने 7500 किलोमीटर करना है। लेकिन चैलेंज ये कि क्लासिक गाड़ियों के अंदर, पुरानी गाड़ियों के अंदर, तो अच्छे मज़े की चीज़ लगी मुझे ये भी इनकी। दैट वाज नाइस। खैर देखो यहाँ पर पता नहीं क्यों रुक लिया, अभी तो हम लोग रुके थे, ये फिर रुक गए यहाँ पर। खैर कुछ भी नहीं, बस अब हम लोग ऐसे ही रुके हैं ये लोग यहाँ पर, तो चलें बस अब कंटिन्यू करें। अब ये सामने कतर का बॉर्डर है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ से तकरीबन अभी 100 किलोमीटर के बाद यूएई का बॉर्डर आ जाएगा। अभी बस सोफिया साइड जो है वहाँ से पासपोर्ट भी खत्म करके, यानी इमिग्रेशन वगैरह फिर वहाँ के और बाइक की भी क्लियरेंस करवा के, तो अभी एग्जिट किया है। इस वक्त मैं नो मैन्स लैंड में, बेसिकली कह लो ना जहाँ पे मैं चल रहा हूँ इस वक्त, ना ये नहीं क्या हुआ है, ना सोफिया क्या हुआ है। खैर चलिए बस अभी दुबई में चला, यहाँ से दुबई नहीं वो है, ये दुबई के बस इंशाल्लाह ये क्रॉस करके तो आगे दुबई की इमिग्रेशन है, और फिर दुबई की इमिग्रेशन के बाद खाना खाएंगे इटली फाइनली। रच की भूख लगी हुई है, बहुत प्यास लगी हुई है, और ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है। शायद देखने में आसान लगता हो लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेलर्स वगैरह खड़े हुए हैं आप लोग, इनका भी बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि बेचारे दो दो तीन तीन दिन लगातार ट्रक चला रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा थके होते हैं, और रिएक्शन टाइम इन लोगों का जो कुछ भी है कह लो बड़ा स्लो हुआ होता है।
तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि क्योंकि कभी कभार ये लोग अचानक से इनको कुछ याद आया था कि राइट लेफ्ट जाना है ना, तो ये टर्न कर लेते हैं, तो आपने ख्याल रखना कि अचानक से आपके आगे ना आ जाए, बी वेरी केयरफुल। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग कभी कभार क्या होता है कि उतर के नीचे खड़े होते हैं तो पैदल चल रहे होते हैं, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई आपके सामने ना आ जाए अचानक से। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइक अनएक्सपेक्टेड थिंग, और बीच बीच में जंप्स भी आ रही हैं तो आपने इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। लेकिन यार बेचारे बड़ा लंबा सफ़र करते हैं, दो दो तीन तीन दिन लगातार ट्रक के अंदर ही होते हैं ये लोग, तो अल्लाह आसानी करे सबके लिए। ये बस यहाँ पे हम लोग वेलकम होने लगे हैं मेरे ख्याल से। यस दिस इज़ इट, वेलकम टू यूएई जनाब। अच्छा जी, ये पहला बूथ आ गया है मेरे ख्याल से, यहाँ पे होगा ट्रैफिक पुलिस वाला, तो यहाँ पे बाइक के लिए वो लोग पेपर मांगेंगे शायद, देखते हैं। नहीं ये तो खाली है, इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ, खाली था बूथ पूरा। यहाँ से आप कह सकते हो कि हम लोग यूएई की हदूद के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी, कुछ नहीं दी, तो मैं कोशिश करता हूँ, वैसे पूरी कोशिश करूँगा कि सारा टाइम मैं वीडियो शीडियो बनाता रहूँ, लेकिन जहाँ पे कहीं पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ मैं वहाँ फिर बंद कर लूँगा वीडियो। यहाँ पर ओके, ये हम लोग पहले गुजरेंगे एक्सरे मशीन्स में से, ये गाड़ी को गुजर लेने दें फिर मैं जाऊँगा। अच्छा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जितने आप बाइकर्स हो, ये देखें रैंप बीच में से कटा हुआ है, तो आप किसी राइट या लेफ्ट साइड वाले उससे रैंप से चढ़िएगा ऊपर, हमें टायर ना मार लेना बीच में कहीं पे। पता नहीं क्यों हमेशा मुझे एक्सरे से डर ही लगता है, पता नहीं ऐसा लगता है कि जिस्म के अंदर से पता नहीं क्या घुस के तो कुछ हो जाएगा या पता नहीं क्या, लेकिन ये कि ठीक है कोई फीलिंग नहीं आती, कुछ नहीं होता जब आप एक्सरे में से गुजर रहे हो, इंची पिची भी कुछ नहीं फील होता आपको बेसिकली। ये देखें वो सारे जितने ट्रेलर वाले हैं वो सब उस तरफ चले गए, मैं तो हम प्राइवेट गाड़ियों वाले और ये सब हम लोग इधर हैं, उस तरफ सारे कमर्शियल वाले लोग हैं। अच्छा ये सामने मेरे ख्याल से अब आ रहा है हम लोगों का पासपोर्ट्स ऑफिस, पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन हम लोगों का सामने आ रहा है। हम जो GCC नेशनल्स हैं हम लोगों का तो यहीं पर हो जाएगा सारा, लेकिन जो हमारे साथ जो फॉरेनर्स हैं फ़िलहाल जिनके पास GCC नेशनलिटी नहीं है, उन लोगों को वो सामने उस तरफ खेमे लगे हुए हैं सामने की तरफ, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर उनके वीज़े वगैरह जो है वो सब स्टैम्प होंगे बेसिकली। मेरी इमिग्रेशन हो गई है, तो अब देखें जो राइट साइड पर आपको रश नज़र आ रहे हैं, ये सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं यहाँ पे, और इन सब अंदर जाके स्कैनिंग करनी है अपने और वीज़ा यानी फाइल स्टैम्प हो जाएगा आपके पासपोर्ट में, और हम GCC वाले हैं तो हम सीधा सीधा रात की सीट में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किन किन नेमतों को झिलाओगे, कम से कम एक घंटा स्किप किया मैंने, कम से कम एक घंटा, वहां पे एक घंटा लग जाएगा इन लोगों को स्कैनिंग के। और यहाँ पे कस्टम्स है, यहाँ पे हमारी पूरी बाइक चेक करेंगे, खोलेंगे कुछ भी चेक करना, तो मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर दूंगा इससे पहले कि मुझे कुछ कहेंगे लोग। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टम्स के अंदर कसम से एक मिनट लगा, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट के अंदर उन्होंने पूरी चेकिंग जो भी करनी थी और बोला के जी तो कल लगा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ पाए यूएई के अंदर में एंटर ऑफिशियली। बाकी सारे लोगों को टाइम लगने वाला था लंबी सी एक मिनट से आगे मैं उसके साथ करूँगा बाकी के लिए अल्लाह करे जल्दी आ जाए, वो लोग भी डर्टी भूख में जे बहुत सारे यहाँ पे नई नई चीजें बना रहे हैं लोग, गेम्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से हर जगह डाइवर्जन है, तो हाँ ये बस एग्जिट है जहाँ पे इन्होंने हमारी इंश्योरेंस चेक करनी है, तो मेरी इंश्योरेंस ऑलरेडी मैंने बहरेन से करवाई भी है, मैं इंश्योरेंस इनको दिखाऊंगा और दैट्स इट।
لأن استغربت بروح داس التحمر فما كذي هذا الأمر جدا شو أبغى شيء أنا يوكيه كمير عندي يا كمير إن شاء الله البحرين إيه نعم البحرين راح تبروك إيه نعم هكوا عينين إيه بعدي ايه يا ايه انت سامي سامي تستطيع سامي هذا الملكية ايه انت سيارات اجانب ايش رغبتي ايه سيارات اجانب لا لا مو معنا هم مو معنا والله انا قاعد اخوي 4-5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 -
talk. अल्हम्दुलिल्लाह ये झंडा देखने हमें मुंबई में पहुंच गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, इधर लौंडे खड़े हैं, अल्लाह करे कुछ खाने को मिल जाए यहाँ पे। एक गर्मी ने मत मारी हुई थी, ऊपर से हम लोगों को भूख लगी हुई है, तो हम लोग उधर स्टेशन पे वेट कर रहे थे। मिसकम्युनिकेशन हुई मेरे ख्याल से, उसकी वजह से लड़के हम लोगों की लोकेशन पे नहीं आ सके, हमसे आगे निकल गए। तो हम लोग एक घंटे से वहाँ बैठे हुए इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, यार ये लोग अभी तक आए नहीं। तो अभी पता चला कि वो लोग ऑलरेडी हम उसको क्रॉस करके हैं, तो आगे जाके हम लोगों का वेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे उन लोगों के पास। हाँ फाइनली हम लोग अभी एमिरेट्स के अंदर आके हम लोग रुके हैं पहले स्टेशन के ऊपर, खाना पीना करेंगे सब कुछ, भूख लगी हुई है रज के। हम लोग सुबह के निकले हैं, सुबह कितने बजे निकले थे घर से? साढ़े पाँच बजे घर से निकले थे, और अभी जाके हम लोग खाना खाएंगे। दोपहर के 3 बज गए, एनर्जी नहीं है, बाकी खाने के बाद बातें करेंगे। कमेंट्री नहीं करने वाला, सिर्फ आपको नज़ारे दूंगा, नज़ारे लेने सब बिजी हैं। चलो मैं भी होने लगा बिजी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना इज डन, खाना बहुत मजे का था वाकई। नो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, इट वाज वेरी गुड। मैंने लिए थे मंदी और उसके साथ चिकन था, हाफ चिकन एंड ऑल, एंड इट वाज फॉर 26 दिरहम्स, वेरी गुड, गुड प्राइस। अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो टूर्स होते हैं दे आर नॉट ईजी टू डू इट एक्चुअली, तो मैं उसको आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है वकास भाई। तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, अभी इनको हम लोग अंदर लिटाया हुआ था और दवाई शवाई सब कुछ दिया है। मैंने यहाँ से बाइक उतारी है एक ऊपर से, और यहाँ पे हम लोग अभी वकास भाई की जो बाइक है किधर है वो आगे खड़ी है GS, तो वो हम यहाँ पे इनके साथ चढ़ाने लगे हैं, क्योंकि वकास से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, बाइक नहीं चलाई जाएगी, तो उसको फिर पिकअप में अंदर लिटा देंगे ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, उसको माइग्रेन का इशू हो रहा है। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। आप लोगों को बता रहा हूँ इट्स नॉट इजी टू डू दिस टूर्स, दिखने में इजी लगते हैं, इतना इजी है गाड़ी में, एसी वाली गाड़ी में, इसमें बैठ के आते हैं, इसमें एसी वाली गाड़ी में बैठ कर बोला जरा टिकट के अंदर नीचे लटाई होगी आपने, वो चाबी गई रह गई, चाबी तो प्रोग्राम दबड़ गया, प्रोग्राम कहाँ जा रही है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। चलें दोबारा हाईवे की तरफ निकले, काफ़ी देर हो गई यहाँ पे क्योंकि बाइक वगैरह ऊपर चढ़ाते हुए टाइम लग गया। अभी तकरीबन यहाँ पे हो रहे हैं 4:30 दोपहर के, और सूरज भी गिरने लग गया है, थोड़ी सी गर्मी भी कम हो रही है, लेकिन हमारा सफ़र अभी भी ख़त्म होने में बहुत दूर है। तकरीबन 450 किलोमीटर अभी भी बाकी है, तकरीबन 450 किलोमीटर होगा हमारे होटल तक, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा।
जब ग्रुप में निकलते हैं तो अक्सर ऐसे मामलात हो जाते हैं जो अनसीन होते हैं, तो हम लोग की इस तरह की दो इमरजेंसीज आई एक्चुअली, जिसकी वजह से हम लोग काफी लेट हो गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी मगरिब और इशा पढ़ी है दुबई के पेट्रोल पंप एडनॉक पे, हमें अबू धाबी भी नहीं पहुंचे अभी तक, और अब यहाँ पर आए। वाह, यहाँ तो बारिश हो रही है। बहरीन में कड़क हम 1 रुपए की पीते हैं, यहाँ पे लुटेरे बैठे हैं, 6 रुपए की कड़क दी इसने, 6 रुपए की, 6 रुपए भी नहीं, 6 दिरहम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच गए हैं। अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने रास्ते की कोई खास वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये कि वाट लग गई है। नॉर्मली हम लोग चलते हैं अगर बहरीन से तो 1000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी के अंदर मैं करता हूँ 9.5-10 घंटों के अंदर मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है। हम लोग निकले आज सुबह, बल्कि 6 बजे सुबह निकले थे, और इस वक्त बहरीन के बज रहे हैं 9:30, यानी कितने हो गए, 12, 13, 14, 15, 15.5 घंटे में खर्चा हो गया। बिल्कुल आसान नहीं है राइड। खैर ये देखें, दिस इज़ वेयर वी गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 2 of our nights, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अगले मुल्क को निकल जाएंगे। तो हम लोग बस अपना सामान सामान निकालेंगे गाड़ी में से और बाइक में से, जो जो हम लोगों के एसेंशियल सामान है, और फिर हम लोग रूम में जाएंगे इंशाल्लाह, भी चेक इन करेंगे। बाकी देखें आपको अंदर चल के दिखाते हैं कैसा है रूम, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। होटल वैसे काफ़ी प्यारा है माशाल्लाह, क्यूट क्यूट सा है, बड़ी पिंक पिंक सी लुक यहाँ पे मुझे मिल रही है, तो पता नहीं शायद उन्होंने अभी पेंट किया इसको। दिस इज़ आवर रूम, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा है। और देखिए मैं शेयर किसके साथ कर रहा हूँ, दो ब्लॉगर्स अभी देखा, सारी रात यहाँ बैठ के एडिटिंग होनी है, नहीं माशाल्लाह बहुत छोटा सा रूम, बहुत क्यूट सा प्यारा सा रूम है। और बाय द वे दिस होटल इज 3 स्टार और 4 स्टार, 5 स्टार चले ना, दिस इज नॉट 5, बट इट्स वेरी नाइस। घंटे और 1000 किलोमीटर के बाद हमारी शक्लें, ये देखें ग्रुप के मेंबर किस तरह से बाहर फकीरों की तरह कितने मज़े से कुर्सी लगा के एंजॉय कर रहे हैं गर्मी। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इधर ग्रुप के जो लीडर हैं वो ऐसे होते हैं, ये देखें ये ग्रुप के लीडर बैठे हैं, कोई मजाक है, आसान है कोई ग्रुप का लीडर बनना इस तरह से लेटना और अंदर जाके फ़ोन पर बातें करना इसी के अंदर, ऐसे ही नहीं बन जाते लीडर।